हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक। चांद दिख गया और चांद बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सेकेंड डे का चांद है। तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। यहाँ पर मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया है ताकि थोड़ा सा कुछ दिखे, क्योंकि अंधेरा बहुत है। हम लोग ऊपर टेरेस पर आए हुए हैं, तो अब ये जो ब्लॉग होगा ये मैं शहरी में कंटिन्यू करूँगी। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। तो चलिए अभी डायरेक्ट आपसे हम मिलते हैं शहरी में। तो यहाँ पे हमारा खाना गर्म हो रहा है, अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं और आते ही मैंने ब्रश कर लिया है। और अम्मी ने जो है ना बिरयानी पैक करके दी थी, तो वही बिरयानी जो है ना पुलाव, सॉरी वही पुलाव हम लोग अभी गर्म करके खाएंगे। और दूध जो है ना मैंने दूध मैंने फ्रिज में ना फ्रीज़र में रख दिया था, और ये पूरा जो है ना बर्फ़ बन गया है, तो इसको मैंने बॉयल करने के लिए रखा है। जब तक कि हम लोग खाना खाएंगे, दूध भी जो है ना थोड़ा सा बॉयल होकर ठंडा हो जाएगा, तो हिम्मत के जो पापा है वो दूध ले लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं शहरी में। तो मैं भी जो है ना थोड़ा सा दूध ले लूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो बिरयानी है वो गर्म हो रही है, तो चलिए फटाफट जो है हम सहरी कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। अभी बज रहे हैं 11, और अभी जस्ट मैंने हिमाद को भेजा है स्कूल। हिमाद चले गए हैं अपने स्कूल, और आज जो है हिमाद के ओरल स्टार्ट हो गए हैं। और उठने के बाद जो है ना मैंने अभी तक फेस वॉश भी नहीं किया है। हिमाद को मैं थोड़ा सा पढ़ाने में बिजी हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया उनके ओरल चल रहे हैं, और पहले से जो है ना मैंने रिवीजन उनका करा रखा था, लेकिन थोड़ा सा उनको रिवाइज़ कराने की ज़रूरत थी। तो इसलिए अभी उठने के बाद 9 बजे से मैं उनको लेकर बैठी थी। आज हिंदी और इंग्लिश दोनों का ओरल था, तो वो सारा जो है ना पढ़ा करके टिफ़िन मैंने बना के दे दिया है। तो हिमाद जो है ना आज लेके गए हैं टिफ़िन में पास्ता, और यहाँ पर ना जोहेब खा रहे हैं एप्पल, और वो मुझे भी खिला रहे थे। क्या हुआ जब वो? और अभी इनको मुझे नहलाना है, क्योंकि अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो चलिए अभी मैं फटाफट जो है यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। ये देखिए घर का हाल क्या हो रहा है फिलहाल। सारा जो हम बैग वगैरह लेके आए थे ना, वो सारा यहीं पर पड़ा हुआ है, और हस्बैंड भी चले गए हैं। हस्बैंड तो जो है ना उठते ही गए हैं आज, क्योंकि 2 दिन से उनकी छुट्टी हो गई है, बहुत से उनको कॉल्स आ रहे थे। तो और हम लोगों का गांव जाना जो है ना ऐसे ही अचानक हो गया था, हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ 2 दिन के लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट 2 ब्लॉग से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मेरा ही मूड फ्रेश हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा लग रहा है गाँव जा के अपने जो घर वाले हैं उनसे मिल कर के, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा लगा। तो चलिए अभी मैं फटाफट यहाँ की मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे क्लीनिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, जाने से पहले हम लोगों ने सारा सब कुछ साफ करके गए थे, और फिर जाना जो है ना अचानक शाम में 5 बजे तय हुआ था। हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो वो जा रहे हैं तो जाके आते हैं, मतलब वो जाके आएंगे, लेकिन फिर मेरा मन किया कि मैं भी जाके आती हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चलो। तो फिर उसके बाद मैं जो सारी सफाई वगैरह वो कर ली थी, मेरे कपड़े रह गए थे, 2 दिन से मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे, तो सारे कपड़े वगैरह सब वॉश करके, बर्तन वगैरह वॉश करके, सारा किचन वगैरह क्लीन करके हम लोग गए थे। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अभी जो है ना थोड़ा सा कचरा वगैरह है, तो मैं अच्छे से झटक के झाड़ू मार के ले लूँगी, तो सब साफ़ हो जाएगा। और कपड़े मैं जो है ना रात में लगाऊँगी, क्योंकि अभी तो पानी हमारा
जा चुका है, तो वॉशिंग मशीन में रात को स्टार्ट कर दूंगी, तो बस कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। और अभी मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है, क्योंकि रात को जो है ना बिल्कुल नींद नहीं हुई है। रात को जो है ना हम लोगों को जो सीट मिली थी ना, वो ऊपर की मिली थी, और ऊपर की सीट ना बहुत ज़्यादा डेंजर होती है, ऐसा लगता है जैसे अभी ऊपर से गिरेंगे। और पूरी रात जो है ना मैं, मतलब मुझे करवट लेने ही नहीं आया, बस ऐसे स्ट्रेट होके मैं सो गई थी, तो नींद तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। और सुबह में भी जो है ना जल्दी मैं उठ गई थी, 2 घंटे सो गई थी मैं, 2 या फिर 2.5 घंटे मैं सो गई थी, उसके बाद मैं उठ गई थी। तो ये मैं सोच रही हूँ कि फटाफट जो है ना यहाँ की मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश रहेंगे ना तो ही अच्छा लगेगा, ज़्यादा थकान भी अच्छी बात नहीं है। तो चलिए फिर मैं फटाफट यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी लेटने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है, फिर मैं ज़ोर से पहले उठ जाऊँगी। हाँ बेटू चलो चलो, यहाँ की हम सफाई करेंगे। कपड़े भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 जोड़ कपड़े लेके गई थी, सब 2 पेयर्स हैं, तो एक तो जो है ना धुल के आ गए हैं, बस एक रह गए हैं, एक एक जोड़ कपड़े रह गए हैं, वो ही मशीन में डाल दूँगी। तो चलिए अभी यहाँ का काम फटाफट निपटा लेते हैं। तो चलिए अभी हम क्लीनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने बैग ला कर रखा है ना, इसको मैं पहले उठा रही हूँ, इसमें जो धोने के कपड़े हैं उसको मैं अलग कर रही हूँ, और जो कपड़े मुझे रखने के हैं उसको मैंने फिर से बैग में डाल दिया है, क्योंकि कुछ कपड़े जो है ना मुझे फ़ोल्ड करने के हैं, तो उसी के साथ जो है ना मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, जो भी कपड़े हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो मेरा बैग वगैरह था, सारा बुरखा वगैरह था, सब हमने ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे 4:45 बजे हम लोग घर पर पहुँचे थे, और आते ही जो है ना बुरखा वगैरह निकाल करके ऐसे ही डाल के फिर मैं चली गई थी अपने सहरी करने के लिए। और सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उठने के बाद मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको बोला कि मैं थोड़ा सा ना सफ़ाई करके सो जाती हूँ, लेकिन सफ़ाई करने में बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला कि कब जो है 1:15 हो गया, और आज दिन फ्राइडे का है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ वगैरह पढ़ के ही दोपहर में रेस्ट कर लूँगी, तो एक तरफ हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर मुझे ये रहेगा कि काम भी पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सारे काम मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। कि मैं बोल रही थी कि वो बॉटल गिर जाएगी, और जैसे ही बॉटल गिरी है ना, ये देखिए जाएगा ना, कपड़ा लेके आए हैं और बोल रहे हैं लॉप होती लॉप होती। क्या कर रहे जोए? किसने फेंका? मैंने मना किया था ना, पानी गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा, कब से बोल रही थी मैं, वो तो अच्छा मैट पे नहीं गया है, मैं तो फिर इसको सूखने के लिए डाल दी। रहने दो जोए, रहने दो बेटा, मैं पोछती, रहने दो, मैं पोछा लगाऊंगी अभी, रहने दो दुबो, रहने दो, मैं पोछा लगाऊंगी बेटू, हाँ। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, पोछा लगा लूंगी मैं, रहने दो, छोड़ो छोड़ो। अभी ना ये कूलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत अच्छी खासी गर्मी हो रही है। तो बस झाड़ू मैंने लगा लिया है, और जो सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी सारा मैंने भी अरेंज कर दिया है। अभी फटाफट हम यहाँ से पोछा लगा लेंगे। अभी मुझे जाना है बालकनी साफ़ करने के लिए, क्योंकि बालकनी में इतना ज़्यादा डस्ट हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। अगर मैं उसको एक दिन भी साफ़ नहीं करती ना, तो हमेशा डस्ट ज़्यादा ही आता है। तो अब तो जो है ना 2 दिन से वहाँ की सफ़ाई नहीं हुई है, तो और जो है ना ज़्यादा हो गया है। और हम सिर्फ गए थे 2 दिन के लिए, तो इसलिए जो है हमारी नींद कच्ची है, क्योंकि परसों रात को भी हम लोग जाग रहे थे, और कल बीच की एक रात जो थी उसमें हम सो गए थे, और नेक्स्ट हम फिर से रिटर्न आ गए थे। तो ये देखिए बालकनी की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छी खासी धूल हो गई है, और मेरे जो फ्रिज का कवर है ना ये फट गया है, तो इसको मैंने निकाल दिया था। और बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्रिज का कवर मंगा लूँगी, लेकिन फिर मुझे ध्यान नहीं रहता उसको मंगाने का। तो चलिए भी यहाँ पर जो है मैं बालकनी की सफ़ाई कर रही थी, तो ये देखिए हमारी बालकनी भी अच्छे से चमक गई है अभी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से सही लग रही है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं, अभी जस्ट मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना थोड़ा सा कुरान शरीफ मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैं जा कर के सो गई थी, और अभी हस्बैंड आए हैं तो मैं उठी हूँ। तो अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है सो करके, और थोड़ा सा मुझे लेट ही हो गया है, मैं सोच रही थी कि 4 बजे उठूँगी, लेकिन फिर जो है ना मैं सोती रह गई। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड आते वक्त कुछ लेकर आए हैं, जो उनके चाट मसाले वगैरह होते हैं ना, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इस तरह के चाट मसाला, जलजीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, ये हमेशा प्रेफर करते हैं घर में रखना, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है चीज़ों पर डालकर खाना।
तो ये सब लेकर आ गए हैं। और मैंने केले भी मंगाया था, फ्रूट जो है ना सारा फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि जाने से एक दिन पहले ही मैंने सब्ज़ी और फ्रूट दोनों फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था ना कि हम लोग जाएंगे, तो एक दिन पहले ही जो ना सारे में सब्ज़ी और फ्रूट लेकर आ गई थी, और जिस दिन जाना हुआ उस दिन मैंने सारे फ्रूट वगैरह ना ऐसे ही इसमें डाल दिए थे। तो अभी यहाँ पर जो है ना मैं निकाल रही हूँ खाना बनाने के लिए टमाटर गोश्त वगैरह, और मैं सोच रही हूँ कि पहले ना मैं सालन बना लेती हूँ, तो मेरा जो रात का खाने का काम है वो एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्राइज़ हस्बैंड लेकर आ गए हैं इसको मैं निकाल रही हूँ, और ये जो है फिंगर चिप्स हैं जो डीप फ्रीज होते हैं ना वो वाले हैं, तो ये हस्बैंड बोल रहे थे कि इनको पहले फ्रिज में रख दो क्योंकि बहुत देर से बाहर हैं, क्योंकि लेके आए हैं ना, तो इसलिए मैं इनमें से फटाफट थोड़े निकाल रही हूँ जितने मुझे फ्राई करना है, बाकी के मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। लास्ट टाइम भी मैंने मंगाया था, लेकिन लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने पेस्ट कंट्रोल कराया था ना, तो उस वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा था और उसको मैंने नीचे फ्रिज में रखा था, और वहाँ से जो है ना उठाकर मैं ऊपर फ्रिज में रखना भूल गई थी, फ्रीज़र में रखना, तो इससे जो है ना वो इसलिए जो है वो ख़राब हो गए थे। अभी हस्बैंड यही बोल रहे थे कि इसको अच्छे से रखना, इसको ख़राब मत करना। तो यहाँ पर मैं अभी सालन बनाने की तैयारी कर रही हूँ, फटाफट वाला मैं सालन बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन करके लूँगी, मैं दो मरतबा प्याज लगाती हूँ, एक तो मैं पहले ब्राउन करके रख लेती हूँ और फिर उसको मैं पीस के लगाऊंगी, और जो नेक्स्ट हम फर्स्ट जो हमारी प्याज लगती है वो मैं इस तरह से पीस करके लगाऊंगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने जार में ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, बस इसको जो है ना हम पीस लेंगे। ये हमारा फर्स्ट मसाला होगा गोश्त को लगाने का। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है, साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको पीस लेंगे। आप चाहे तो इसमें कोथमीर भी डाल सकते हैं, मुझे डालना था लेकिन फिर मैंने बाद में डाल दिया था, यहाँ पर जो है वो क्लिप मिस हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर तो दो क्लिप मिस हो गई, जो हमारे प्याज को मैंने ब्राउन करके रखा था वो मैंने निकाल लिया था, उसके बाद इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया है, उसके बाद जो मैंने मसाला पीसा है ना डायरेक्टली मैंने वो मसाला ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से चलाएँगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है, गोश्त थोड़ा सा हल्का सा गला हुआ है तो इसको पकने के लिए ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमारे अनियंस है, इसको मैंने अच्छे से ब्राउन करके जिस तरह से बिरयानी की प्याज होती है ना उस तरह से मैंने कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर मैं टमाटर कट करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो पीस करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं टमाटरों को कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए टमाटर हमारे कट हो गए हैं, 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। अब यहाँ पर जो है ना आधा ग्लास पानी हम डाल करके इसको 2 से 3 सीटी हम लगा लेंगे। तो कुकर में हमारी 2-3 सीटी आ गई है, थोड़ा सा मैंने उसको प्रेशर रिलीज़ होने के लिए रखा है, और यहाँ पर मैं अभी आटा गूंध रही हूँ। आटा गूंध करके मैं साइड में रख दूँगी, जब भी हम लोगों को खाना होगा तब मैं रोटी बना लूँगी। तो चलिए फटाफट मैं आटा गूंध करके साइड में कर लेती हूँ, और हस्बैंड जो है अभी फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे हैं, और वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम खाने की तैयारी क्यों कर रहे हो, पहले इफ्तार की तैयारी कर रहे हो। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा मुझे कुछ फ्राई करना नहीं है, तो मेरा काम जो है ना थोड़ा सा ही है, तो इसलिए मैं इसको मतलब ये काम करने में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। तो ये देखिए अभी जो है कुकर का सारा प्रेशर रिलीज़ हो गया है, और जो मैंने अनियंस को ब्राउन किया था ना उसको मैंने पीस लिया है बिना पानी डाले। अब यहाँ पर जो है वो अनियंस को हम मिक्स कर लेंगे, और साथ ही जो है ना हम इसमें पानी भी डालेंगे, जितना हमको इसकी कंसिस्टेंसी रखना है, जितना पतला और गाढ़ा रखना है यहीं पर हम इसको सेट कर लेंगे। बाद में मैं इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी। आप चाहो तो बाद में जो है ना खोल करके, अगर आपको पानी बाद में डालना है तो आप बाद में जो है इसको खोल करके थोड़ा सा अच्छे से चला करके, जब तक कि ऑयल वगैरह नहीं आता उसके बाद आप पानी डाल सकते हो, लेकिन मैं जो है कुकर में ही बनाती हूँ तो ये पर बनेगा। तो चलिए भी हम इफ्तार की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैं मसाला आलू फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ, साथ ही मैं फिंगर चिप्स भी फ्राई करूँगी। मैं सोच रही कि थोड़ा सा सिर्फ मसाला आलू बना लेंगे, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि बच्चे नहीं खाएंगे, ये तेज़ होते हैं ना,
तो फिर मैंने जो है फिंगर चिप्स भी फ्राई कर लिए थे। और मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे काम होते हैं ना, वो मैं इफ्तार से पहले निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो इफ्तार तक जो है ना मतलब फुल एनर्जी होती है, लेकिन इफ्तार करने के बाद मैं लो हो जाती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे इफ्तार करने के बाद मुझसे कोई काम होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि इफ्तार करने से पहले मैं जितना काम अपना निपटा सकूँ निपटा लूँ। और किस किस को जो है ना, मेरे वैसी आदत है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसको जो है ना इफ्तार करने के बाद निढाल फील होता है, वो लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अभी हम लोग इफ्तार की तैयारी कर लेते हैं। बस अभी टाइम जो है ना 15-20 मिनट बचे हुए हैं, बस दुआ कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी हस्बैंड लगा रहे हैं दस्तर। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी नमाज मेरी हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 7:15 हो रहे हैं। रोज़ अच्छा हो गया। नमाज पढ़ने के बाद हस्बैंड अपनी तैयारी करने के लिए बैठे हैं क्योंकि हमने किसी ने कुछ खाया ही नहीं था, जो जो लेके बैठे थे सारा वैसे ही है। तो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए और अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा रोटी वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि मैंने रोटी बनाया नहीं था, बस मैंने सैलेड बना लिया है। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ये जो मेरा ब्लॉग था ये सहरी से इफ्तार तक का था। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोगों का रोज़ा कैसे गुजरा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।